हेलो बच्चों, ये आपके इतिहास के चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद की चौथी वीडियो है। पिछली वीडियो में आपको याद होगा हमने बोल्शविक क्रांति के कारण पढ़े थे और जो मार्च की क्रांति हुई थी उसके बारे में भी पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में बोल्शविक क्रांति जो कि नवंबर में हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लेनिन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे रूस में उस समय, उनकी जीवनी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मार्च की बोल्शविक क्रांति पहले मार्च में हुई थी लेकिन वो सफल नहीं हुई थी और जो बूर्जुआ सरकार बनी थी उससे भी बोल्शविक खुश नहीं थे कि वो ये, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो एक बूर्जुआ सरकार के लिए नहीं थी। और आपने आपको याद होगा कि बूर्जुआ सरकार भी गिर गई थी और फिर केरेंस्की ने एक साम्यवादी सरकार बनाई थी लेकिन उसने लेकिन उसे भी बोल्शविकों ने स्वीकार नहीं किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस समय 1917 में एक लेनिन नाम के नेतृत्व थे रूस के, जिनका बहुत प्रभाव था रूस में, जो कि श्रमिक वर्ग के सहायक थे, वे भी उनके कष्टों को समझते थे। लेकिन क्योंकि वो जार के विरुद्ध थे, जार ने उन्हें सरकार से निवासित कर दिया था और वो स्विट्जरलैंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा 1917 की क्रांति के बारे में तो वे जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचे और जब वो पेट्रोग्राड, मैंने आपको बताया था ये एक रूस का प्रांत है, जब वो पेट्रोग्राड पहुंचे तो वहां की जनता में एकदम उत्साह आ गया क्योंकि उन्हें लगा कि उनका सहायक वापस आ गया है। लेनिन ने तब घोषित किया कि क्रांति अभी पूरी नहीं हुई, क्रांति तो अब शुरू होगी और एक दूसरी क्रांति होना अनिवार्य है। उन्होंने जो बोल्शविक के कार्यक्रम थे, जो उनकी सोच थी, उसको एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट में लिखा जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी क्रांति के जो क्रांति के बारे में लिखा था कैसे वो क्या आगे करेंगे। इस बार आपको याद होगा कि पिछली क्रांति में रोटी दो की मांग उठाई गई थी, इस बार लेनिन ने तीन मांग उठाई, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल का प्रयोग किया और केरेंस्की की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। ये क्रांति 7 नवंबर 1917 को आरंभ हुई, बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। इस दिन बोल्शविकों ने पेट्रोग्राड में सारी बड़ी इमारतों को घेर लिया था, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, कचहरी और भी जितने सरकारी भवन थे उनका उस सब पे वो सारी इमारतों को उन्होंने घेर लिया था और इसके फलस्वरूप केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शविक क्रांति संपन्न हुई जिसमें बोल्शविकों की विजय। अब जो शासन था वो बोल्शविक के अंदर था और इसके अध्यक्ष थे लेनिन। तो ये थी हमारी नवंबर की क्रांति जो कि बोल्शविकों, जो कि अंत हुई नवंबर 1917 में और इसमें विजय हुई बोल्शविकों की, जिसका अध्यक्ष लेनिन थे और उनके साथ एक ट्रॉट्स्की नाम के और व्यक्ति थे जो कि एक और बहुत बड़े नीतिज्ञान थे रूस के, वो भी एक राजनीतिज्ञ थे और उन्हें सरकार का विदेश मंत्री बनाया गया। ये भी समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्हें ये बात का मालूम पड़ा कि यहाँ परिस्थितियाँ, उनको पहले से ये बात से अवगत थे कि रूस में स्थिति सही नहीं है। हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि कैसे वहां पर श्रमिक भी परेशान था, मजदूर भी परेशान था, किसान भी खुश नहीं था, जो औद्योगिकरण थे वहां भी चीजें बिल्कुल सही नहीं थी। तो लेनिन के समक्ष बहुत सारी समस्याएं थी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन समस्याओं का सामना किया और उन सभी समस्याओं पे विजय प्राप्त करी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब हम जो आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में वो हम लेनिन ने जो कुछ किया सत्ता में आकर वो सारी बातें होंगी। ये बातें याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर में कई बार आता है कि जब लेनिन सत्ता में आए तो उनकी क्या समस्याएं थी और उन्होंने कैसे उन सबको हल किया। तो सर्वप्रथम उन्होंने जर्मनी के साथ एक ब्रेस्टलोविस्क की संधि की, यानी कि एक उनके साथ एक सुलह की,
बट इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि रूस को एक उनका एक चौथाई भूभाग उन्हें गंवाना पड़ा, लेकिन जर्मनी के साथ उनकी सुलह हो गई। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे रूस ने, इसमें से बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ था ये बोल्शेविक क्रांति से पहले, जो कि बोल्शेविक क्रांति के कुछ कारणों में से एक थे। तो पहला उन्होंने जर्मनी के साथ सुलह की, उसके बाद उन्होंने क्योंकि जर्मनी तो सॉरी रूस तो विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, तो अब उन्हें उन्होंने लेनिन ने आंतरिक समस्याएं यानी कि जो अंदरूनी समस्याएं थी रूस की उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उन्हें हल करने का प्रयत्न किया। एक और चुनौती आई थी लेनिन के सामने जो कि थी उनमें एक गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हुई थी रूस के अंदर, जहां पर जितने बड़े देश थे अमेरिका जापान ब्रिटेन फ्रांस उन सब ने रूस पर आक्रमण किया था। ये एक नई चुनौती थी लेनिन के लिए, लेकिन इसका भी सामना लेनिन ने बहुत साहस पूर्वक होकर और बहुत विद्वता के साथ किया था और विरोधियों का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया। ट्रॉट्स्की जिसका मैंने नाम अभी आपको बताया था, उनके नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित की गई। लाल सेना मैंने आपको बताया था कि लाल समाजवाद का रंग था, तो उनकी एक सेना बनाई गई और लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए एक चेका नाम के गुप्त पुलिस का भी संगठन हुआ। गुप्त पुलिस यानी कि जो कि छिपकर वार करते थे, जो कि छिपते थे और फिर एकदम से विद्रोहियों पर छापा मारते थे और उन्हें गिरफ्तार करते थे। ये दो नीतियों की सहायता से उन्होंने जो आंतरिक विद्रोह था, जो गृह युद्ध जिससे शुरुआत हुई थी, जिससे उनको समाप्त किया और विजय प्राप्त की। एक उन्होंने लाल सेना का गठित किया और दूसरा चेका नाम की एक गुप्त पुलिस संगठन बनाया जिन्होंने छापा मारकर विद्रोहियों का गिरफ्तार किया। इसके पश्चात 1918 में सबसे पहला समाजवादी शासन स्थापित किया रूस में लेनिन ने और उसका एक नया संविधान बना। इसके द्वारा रूस का अब नाम रूस यानी रशिया से उसका नाम अब सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह यानी कि USSR, इंग्लिश में हम इसे यूनियन और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। लेनिन ने अब इस राज्य में एक नई सरकार बनाई जो कि प्रतिनिधि सरकार थी। प्रतिनिधि सरकार यानी कि ऐसी सरकार जिसमें आवाम से लोग चुने जाते हैं, 18 वर्ष के सभी लोग जो कि श्रम करते थे या जो श्रम करते थे उन्हें या अपनी खुद की जीविका चलाते थे उन्हें अधिकार दिया गया वोट देने का। ये जो स्थिति थी वो वैसी ही जैसे आज हमारे भारत में है कि यहाँ पर 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब अपना मतदान करते हैं। तो लेनिन ने USSR की स्थापना की जो कि समाजवादी राष्ट्र बना और उन्होंने प्रतिनिधि सरकार बनाई जो जार का क्रूरता भरा शासन था उसका अंत हुआ और ऐसे एक व्यवस्था से उसको रिप्लेस किया गया जिसकी मांग बोल्शेविक ने हमेशा की। इसके पश्चात राजनीतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नाम की स्थानीय समितियां बनाई गई यानी कि हर छोटी सोवियत यानी कि उनके छोटे छोटे प्रांत थे जिसमें समितियां बनाई गई जो कि वहां के शासन को देखती थी। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्र कांग्रेस ही बनाई गई जो कि पूरे राष्ट्र यानी जो कि पूरे USSR में शासन करती थी। इसको हम आसान शब्द में भी समझ सकते हैं और हम इसे भारत के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक स्टेट का या हर एक राज्य की अपनी सरकार है और फिर एक हमारी लोकसभा है जो कि पूरे राष्ट्र पे या पूरे भारत पे शासन करती है। वैसी ही एक व्यवस्था USSR में तब लेनिन ने भी बनाई थी जहाँ पर पूरे रूस को उन्होंने भागों में छोटे छोटे शहरों या भाग प्रांतों में बांट दिया था जिसको सोवियत कहते थे। हर उस सोवियत में एक समिति बनाई गई जो कि वहां पर शासन करती थी और उन सभी सोवियत जो सभी समितियां थी उनके सदस्य को मिलाकर एक राष्ट्र कांग्रेस बनाई गई जो कि पूरे रूस में या जो पूरे USSR में फिर शासन करती थी।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 18 वर्ष की अधिक उम्र वालों सभी को मतदान देने का अधिकार भी दिया गया था। आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ है, बहुत ही बड़ा संघ था और जो कि बाद में बहुत ही शक्तिशाली भी बना। लेनिन ने उत्पादन के साधन में निजी स्वामित्व का भी अंत किया और उद्योगों में सिर्फ पूंजीकरणियों को नहीं बल्कि मजदूरों को भी नियंत्रण मिला। जो बड़े बड़े बैंक और उद्योग जिन्हें पहले पूंजीकरण चलाते थे उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण यानी कि उनको सबको सरकार अब उनपे अपना नेतृत्व करती थी। पहले जो कि बड़े स्वामी थे या जो बड़े पूंजीपति थे वो शासन करते थे बड़े बड़े बैंक और उद्योग पर, लेकिन अब वो सभी बैंक उद्योग और रेलवे सब जो सरकार थी उसके नेतृत्व के अंदर आ गए। शिक्षा में भी ऐसा ही हुआ, उस शिक्षा का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम भी बदला, इसे अब साम्यवादी दल का नाम दिया गया और लाल रंग के झंडे जिसपे दो हंसों का जोड़ा बना था वो उनकी निशानी थी। यहाँ पर आप ट्रॉट्स्की का चित्र देख सकते हैं जो कि लेनिन के बहुत बड़े सहायक। अब ऐसी दो बातें लेनिन ने करी जिसकी बड़ी आलोचना हुई और जिसका सुधार आखिर लेनिन को करना पड़ा। उन्हें बाकी सारी तो जो चीजें करी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा वो सब सही थी, लेकिन दो ऐसी चीजें थी जिसको जो आवाम थी यूएसएसआर की उसने स्वीकार नहीं किया। उनमें से एक था कि जो बड़े भूमि स्वामी थे यानी कि जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी उनकी जमीन को लेकर लेनिन ने छोटे किसानों के बीच में बांट दिया। इसकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जो भूमि है वो तो राज्य के नियंत्रण में होती है तो इसे हमें जो किसानों है उनको नहीं देना चाहिए। लेनिन की इस कदम की बड़ी आलोचना हुई कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि का जो नियंत्रण होता है वो राज्य के पास होता है और ऐसे हम छोटे किसानों को नहीं दे सकते। लेकिन लेनिन के पास का उत्तर था और उत्तर ये था, उन्होंने ये बोला कि नहीं, यहाँ पर किसान बहुमत में और बोल्शेविक दल है वो उनकी कम संख्या है, इसीलिए किसानों को ये भूमि देनी चाहिए जो कि जो भी बहुमत में है उसकी ये भूमियां होनी चाहिए। इसकी बड़ी कड़ी आलोचना हुई। बाद में हम समझेंगे कि कैसे लेनिन को इसको बदलना भी पड़ा। और जो दूसरी चीज थी, जो दूसरी नीति थी लेनिन की वो ये थी जिसकी भी बड़ी आलोचना हुई जिससे बड़ी भुखमरी भी फैल गई यूएसएसआर में, वो ये थी कि जो भी उत्पादन की समस्याओं को निपटाने के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। युद्धरत साम्यवाद का क्या मतलब हुआ? युद्धरत साम्यवाद यानी कि जंग की तरह उन्होंने साम्यवाद को फैलाने की कोशिश की। जैसे कि जंग में एक तीव्रता होती है वैसे ही उन्होंने साम्यवाद को भी एक जंग की तरह फैलाने का प्रयत्न किया। और इसके तहत उन्होंने जो फैक्ट्री में जितने तकनीकविदों थे यानी कि जो कि वो फैक्ट्रियों में मशीनें बनाते थे जो कि विज्ञान पढ़ के मशीनें बनाते थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने मजदूरों पर भी और किसानों पर भी नियंत्रण लगाया। किसानों से बलपूर्वक यानी कि जोर जबरदस्ती से अनाजों की वसूली होने लगी। किसान अब अपने मर्जी से बाजार में नहीं बेच सकता था, उससे अनाज की वसूली होने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर बैठ गए पर और जो ये जो युद्धरत साम्यवाद था इसकी बड़ी प्रतिक्रिया, भयंकर प्रतिक्रिया, लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया। जब लेनिन को ये पता चला कि क्योंकि वो किसान वसूली से इतना डर गए थे कि वो अपने अनाज उन्होंने जलाना शुरू कर दिया और इससे भुखमरी फैलने लगी। लेनिन को अब ये बात का एहसास हुआ कि नहीं, ये शायद सही नीतियां नहीं है। उन्होंने अपनी नीति में कुछ बदलाव किए और एक नई आर्थिक नीति जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं उसका परिणाम किया। तो ये थी लेनिन की कुछ नीतियां जिन्होंने रूस को यूएसएसआर में बदला और उसमें बहुत अच्छे परिवर्तन लाए।
आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। आशा करती हूँ आपको लेनिन और जो नवंबर क्रांति हुई थी उसके बारे में अब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त।